शाहजहांपुर में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने डायमंड और गोल्डन ज्वेलरी के शोरूम का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में वर्ष 1983 में दंगा हुआ था, उसकी रिपोर्ट देर से पेश की गई, जबकि रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसको पेश नहीं किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरवासियों की चीजें खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, यही कारण है कि शहर में बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं। गुजरात में किसान कंपनी के मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों को एक एक कार गिफ्ट में देने से चर्चा में आई कंपनी ने डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी का शोरूम शाहजहांपुर में खोला है। उस शोरूम का उद्घाटन करने के लिए वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले शोरूम के अंदर तमाम डायमंड और गोल्डन से बनी वस्तुओं को देखा और कीमत भी पूछी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1983 में मुरादाबाद में दंगा हुआ था, अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई, जब आएगी तब देखा जाएगा। हालांकि आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सही है कि रिपोर्ट देर से पेश हुई, दंगे की रिपोर्ट को पहले ही आ जाना चाहिए था। रिपोर्ट वर्ष 83 में ही आ गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसको पेश नहीं किया था। देखिए, बड़े शोरूम इस बात का प्रमाण देते हैं कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के पास जब परचेजिंग पावर होगी तभी इस प्रकार के शोरूमों की उपयोगिता है और आवश्यकता भी है। अच्छा है, शाहजहांपुर तरक्की कर रहा है हर क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में भी जितना ज़्यादा, क्योंकि यह तो लास्ट आइटम है, गोल्ड ज्वेलरी लास्ट आइटम, जब आदमी के पास बिल्कुल पैसा फालतू हो या कोई मजबूरी हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई त्यौहार हो, तभी आदमी ज्वेलरी की तरफ देखता है। तो ये पर कैपिटा इनकम बढ़ने का, लोगों के पास परचेजिंग पावर के बढ़ने का एक प्रमाण है कि शाहजहांपुर में अच्छे शोरूम खुल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। जो यहाँ पे ओपनिंग हुई है मनी खन्ना जी ने की, और मनोज सराफ ये बहुत पुराना है और अभी नया एक्सटेंशन किया, अच्छा कलेक्शन है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपका अच्छे से व्यापार बढ़े, और यहाँ शाहजहांपुर की जनता ज़्यादातर इस शोरूम से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं भी पहले यहीं से जितने भी खरीदारी की यहीं से की, और अच्छा कलेक्शन है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शाहजहांपुर से अभिनय गुप्ता की रिपोर्ट।